अस्सलाम वालेकुम, शिवा की दुनिया में आप सबका वेलकम है। आज कुछ दिल चाह रहा है बनाने का, तो बेसन रखा हुआ है, सोचते खट्टी फुलकियाँ बना लेते हैं। तो चलिए चल के खट्टी फुलकियाँ बनाते हैं। तो ये हमने एक कप बेसन ले लिया है, इसमें नमक, हल्दी, मीठा सोडा बिल्कुल चुटकी भर, और कुटी हुई लाल मिर्चें वो भी हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून चाट का मसाला, हाफ़ टी स्पून से कम ज़ीरा, और खट्टी चटनी बनाने के लिए, इमली की चटनी बनाने के लिए सिंपल सादी, ये हमने इमली भिगो के रखी हुई है, नमक है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2 लहसुन है और 5 से 6 अदद लाल वाली हरी मिर्चें हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तलने के लिए हमें घी चाहिए और पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चले चलते हैं, बनाते हैं खट्टी फुलकियाँ। सबसे पहले हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके पानी से फेंट लेंगे। तो ये हमने फेंट लिया है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। फिर इसको हम फ्राई करेंगे, लेकिन अभी हम चटनी जब तक बना लेते हैं तो ये उतनी देर के लिए रख देते हैं बेसन। और ये हम अपनी चटनी पीसने जा रहे हैं। इमली के बीज हमने निकाल दिए हैं, अब हम इमली छान के डाल देंगे चटनी में। हम यहाँ घी गरम कर रहे हैं और इसे तवे पे हम फ्राई करेंगे, तो देखिएगा कैसे गोल गोल बनेंगी। तल के हमें इसको पानी में डालते जाना है और नरम करना है। फिर इस पे हम चाट मसाला डाल लेंगे और ये हमारी खट्टी फुलकियाँ रेडी हैं। तो आप भी बनाइए जल्दी से घर में अपने, और मुझे बताइए केक कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।